तो क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया, एमपी बोर्ड में आपको टॉपर बनाऊंगा, आपके हर जिले का प्रश्न पत्र दूंगा। चलिए तो अपन सबसे पहले सेट ए को समझेंगे, फिर अपन सेट बी को समझेंगे। यहां से देख सकते हैं आप, ये है आपका सेट ए, विषय कोड रहेगा आपका 200। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां से देखिए, पहला है आपका, निम्न में से उर्दू पाताज पदार्थ नहीं है, नमक। बाकी जो सारे के सारे हैं वो ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या है? उपधातु है। उपधातु का मतलब क्या होता है? जिनमें धातु और अधातु दोनों के मिक्स गुण पाए जाते हैं। एटोम शब्द का प्रयोग किसने किया? एटोम शब्द का प्रयोग किया था जॉन डाल्टन ने। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। अब भैया यहाँ पर बच्चों के मन में एक शंका रहती है कि रॉबर्ट हुक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, पर यहाँ पर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ोगे ना तो कोशिका में केंद्रक की खोज है। हम भी जानते बेटा कि कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की, पर केंद्रक किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है, जाइलम के द्वारा। पौधों में जल और खनिज का संवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? देखो, विस्थापन में यदि हम परिवर्तन करेंगे तो उसकी दर कहलाएगी वेग। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां से अपन देखेंगे, ये कितना हो गया? अब है रिक्त स्थान। देखिए, तापमान जब बढ़ाते हैं तो कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ती है। तापमान जब बढ़ाएंगे तो कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। विलयन जो है, विलयन, विलयन होता है समांगीय मिश्रण। ऐसा होता है समांगीय मिश्रण। न्यूटन की, न्यूट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी? देखिए, चैडविक ने की थी, चैडविक ने। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी रहती है? पादप कोशिका की भित्ति जो होती है ना, वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यहां पर लिख देते अपन सेल्यूलोज। स्थाई ऊतक की कोशिकाएं डिडेडेस विभाजित डिडेस नहीं होती है। तो देखिए, स्थाई जो ऊतक होते ना, उनकी कोशिकाएं कभी भी विभाजित नहीं होती। न्यूटन का डिडेडेस नियम जड़त्व पर आधारित है। तो न्यूटन का जो प्रथम नियम है, ठीक है भैया। चलिए, इसके बाद में अपनी जोड़ी, और जोड़ी की हम यदि बात करें तो देखिए, तापमान का जो मात्रक होता है ना, तो तापमान का मात्रक है केल्विन। जेल, जेल का जाएगा जेली, पनीर, मक्खन। कार्बन की हम बात करें तो कार्बन का जो संकेत होता है सी। केंद्रक, केंद्रक कोशिका का कोशिका नियंत्रण कक्ष है। आंख की पलक, आंख की पलक जो होती है ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। ये हो गया पांचवा। और अगला है दूध में शुद्धता की जांच का जाएगा लैक्टोमीटर। हो गया इतना। चलिए, अब सही जोड़ी है। अब एक वाक्य में उत्तर, एक वाक्य में उत्तर क्या? हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्थाओं में विद्यमान है? तो देखिए, हमारे आसपास जो द्रव्य ना, वो तीन अवस्थाओं में विद्यमान है। कितनी अवस्थाओं में? तीन अवस्थाओं में। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थों को हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक फॉर्मूला है वो है CaOH। किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है ना, होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। वेग में प्रति सेकेंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो मंदन कहा जाता है।
और दो या दो से अधिक फसलों को निश्चित कतार या पैटर्न पे उगाने को हम कहते हैं अंतरा फसली करण। ना चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहां तक हो गया इतना। इसके बाद में ये यहां से थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ये यहाँ। और अब है सत्य और असत्य। कोलाइड जो है ना, वो कोलाइड किस तरह का मिश्रण है? कोलाइड जो है वो आपका समांगी मिश्रण है क्या? तो देखिए कोलाइड जो होता है ना वो विषमांगी मिश्रण है। कैसा है? विषमांगी। इसलिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये राइट रहेगा। अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो 24, बिल्कुल गलत बात है। बल एक अदिश राशि है, देखिए बल जो होता है ना वो सदिश राशि, इसलिए ये भी गलत बात आपकी हो जाएगी। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते, ये सत्य रहेगा। और यहां से ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है? ये आप यहां से देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 से, इसका मैं पूरा सॉल्यूशन आपको कॉपी में बता रहा हूँ, बढ़िया से आप कंप्लीट करिएगा। यहां से देखिए प्रश्न छठा, ये देख लीजिए, अभी तो 7वां आ गया, ये 8वां आ गया है। यहां से देख सकते हैं आप रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की सीमाएं। 10वां क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, रंध्र क्या के कार्य हो गया है, रेखित और अरेखित पेशी में अंतर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 रहेगा, हो गया। इसके बाद में पूरा सॉल्यूशन देखेंगे ना, मैंने ये क्वेश्चन नंबर 14 है, अदरा 17, 18, 19 के बाद में ये यहां से, ये क्वेश्चन नंबर 20, 21, ये 22 और अंतिम ये 23 क्वेश्चन। टोटल 23 क्वेश्चन है और 23 ही क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है? यहां से अपने ये साइंस का ये पेपर देख लिया है, चलिए अब इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। चलिए यहां से देखते हैं पूरा सॉल्यूशन को, है ना। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, बढ़िया से कंप्लीट करना है आपको ताकि आपको अच्छे नंबर आए, इसलिए है ना। चलिए यदि आप कहोगे तो पूरा सॉल्यूशन भी मैं आपको समझा भी दूंगा, अलग अलग भी। ये गलनांक और क्वथनांक में अंतर है, इतना हो गया। इसके बाद में ये कोलाइड के दो गुणधर्म, मिश्रण और यौगिक में अंतर, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में से आप क्या समझते हैं। इसके बाद में अगला आपका देख लीजिएगा, यहां से उसी का थोड़ा जो है वो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो दो उदाहरण देना है। ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए, ये रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हो गए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की क्या क्या सीमाएं हैं? कैथोड किरणों के कोई दो प्रमुख गुण लिखिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिकों के नाम व संकेत। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। यहां से आप देख सकते हैं रंध्र किसे क्या क्या कार्य है, इसका थवा वाला है ये, ठीक है? अब ये यहां पर चित्र में इसका आपको बता देता हूं ना, पहले यहां से देख सकते हैं ना, ये तीनों में से कोई सी भी दो पेशियों के ये चित्र बन रहा है। तीनों का लेना, देखिए 2022 में आया था ये, आएगा इस साल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और रेखित पेशी और अरेखित पेशी में अंतर है। इसके बाद में यहां से आप देख सकते हैं इसका थुआ। क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसमें सदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित मंदन की परिभाषा देनी है आपको, मात्रक भी इसका बताना है। बल का एसआई मात्रक समझाइए। न्यूटन के गति का तृतीय नियम
क्वेश्चन नंबर यदि अपन 15 की बात करें तो यहां से घर्षण के क्या क्या लाभ होते हैं, क्रिकेटर बाल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे क्यों खींचता है, गेत ना। 15 के बाद में ये गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, प्रणोद किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताना है। जी और जी में अंतर यानी गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक में अंतर बताना है, यहां से आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18-17 के अथवा की बात करें तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत और अनुप्रयोग, पादप कोशिका तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर बताना है। माइटोकांड्रिया को बिजली कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताना है। ठीक है, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका हरी खाद क्या, इसके लाभ लिखने हैं। मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन और फसल पैटर्न पर टिप्पणी देनी है, किसी तीन में से दो आ जाएगी आपके एग्जाम में। आयनिक तथा आण्विक यौगिक में क्या यागी क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसके अथवा में यहां से देख सकते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो चाल और वेग में अंतर, हो गया इतना। दूरी और विस्थापन में अंतर, ये इसका थुआ है। और क्वेश्चन नंबर जो 23 है इसको देख लीजिए आप यहां से, अनुप्रस्थ और अनुदेहरी तरंगों में अंतर।